अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग का वीडियो। तो ये देखिए, जो मैंने सूट पीस से बनाया है, तो ये सूट पीस है, ये डिज़ाइन है ना, आड़े में बना हुआ है, नेक का डिज़ाइन है। तो इस हिसाब से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे फिर फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नेक उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो आज मैं आपके साथ कटिंग का ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ, स्टिचिंग का वीडियो भी शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बैठा लिया है और ये वाला जो हिस्सा है ना नेक का, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए हमें अच्छे से इस तरह चार फोल्ड करना है। तो ये चार फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये कपड़ा ना साइड से थोड़ा सा कान है, तिरछा है, तो उसको अवॉइड करेंगे और इस तरह से हम चार फोल्ड कर लेंगे। उसको हम बाद में, वो ऐसे भी कट के निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम, नेक बहुत बड़ा है इस वजह से हम थोड़े नीचे से इस तरह से तीरा का निशान लगा रहे हैं। तो तीरा का निशान हम 7 इंच पे लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से मोड़े का निशान लगाएंगे, मोड़े का निशान भी हम 7 इंच पे लगाएंगे इस तरह से 7 इंच पे। और यहाँ से हम चेस्ट का निशान देंगे, तो चेस्ट का जो निशान है उसका भी हम 1/4 हिस्सा निकाल करके इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये चेस्ट का निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है। और इसके बाद हम कमर का यानी चोली का नाप ले लेंगे। तो चोली का निशान मैंने यहाँ 15 इंच पे लगाया है। 15 इंच पे लगाने के बाद हम यहाँ से पूरा सीधा, यहाँ से हम सीधा निशान लगा लेंगे पूरे में, ये नीचे का घेरा कट जाएगा। और यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे, जो भी आपका कमर का नाप है उसका 1/4 हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से मैंने 7 इंच पे निशान लगाया और फिर 1 इंच बढ़ा करके टेकिंग के लिए रखा है। अब हम ये टेकिंग के लिए जो 1 इंच बढ़ाए थे ना, वहाँ से ऊपर से निशान लगा लेंगे। और टेकिंग के लिए हम यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएँगे, फिर यहाँ से टेकिंग की लंबाई भी हम 4 इंच पर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आर्म होल की आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम इस तरह फ्रंट के पार्ट के लिए 1 इंच पीछे निशान लगा करके इस तरह से ऊपर से यहाँ तक कॉर्नर तक मिला लेना है। और उसके बाद हम इसमें गोलाई का निशान लगा लेंगे फ्रंट के लिए, और बैक के लिए हम जो पहले निशान लगाए थे उसमें लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों का निशान लग चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से आर्म होल को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाले आर्म होल को कट करेंगे। तो इस तरह से मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। ये बैक वाले आर्म होल को मैंने कट किया है और लगभग 1 इंच मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। यहाँ से कट करने के बाद हम इस तरफ से कट कर लेंगे यहाँ से, और इसे अंदर तक लेके जाएंगे जहाँ तक टेकिन है, टेकिन से 1/2 इंच अंदर तक। तो ये देखिए, और इसको भी हम काट के निकाल देंगे। तो ये हमारा साइड प्लेटेड फ्रॉक कटिंग हो चुका है। इस तरह से इसमें चून बैठेगा। तो सबसे पहले हम टेकिन के लिए यहाँ पर ही कट लगा लेंगे, ताकि चारों टेकिन के निशान एक ही जगह लग जाए। अब हम इसमें से बैक वाले पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट का गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको जितना बड़ा गला है उतना ही बड़ा रखना है तो आप वैसे भी रख सकते हैं, तो मैं गला थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ। तो यहाँ से हम 1/2 इंच ज़्यादा करके कटिंग करेंगे, 1/2 इंच नहीं,
लगभग 1 इंच है, इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम बैक के गले को कट करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ से 2.5 इंच लिया है और यहाँ से हम 4 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम कपड़े को इस तरह से कटिंग करके गले की निकाल लेंगे। अगर ये ड्रेस आप जॉर्जेट में बनाए थे वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने एक ड्रेस बनाया है जॉर्जेट में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। वो एक्चुअली स्टिच पूरा किया हुआ था, सिर्फ उसे मैंने वर्क किया है। तो चलिए हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के लिए जो भी कपड़ा था मैंने उसे इस तरह से लंबाई पर ले लिया है। आप देख सकते हैं बहुत कम कपड़ा बचा है, तो मैं मोढ़े का निशान 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और इस तरह से हम 3 इंच पीछे आएंगे और फिर हम बाहीं का नाप लेंगे। तो बाहीं का नाप 4.5 इंच पर आ रहा है, तो हम उसे इस तरह से निशान लगा लेंगे यहाँ पर इसे। उसके बाद हम इसको इस तरह मिला देंगे और यहाँ से हम इस तरह से मिलाते हुए लेके जाएंगे और इस तरह से हम राउंड शेप देके मोड़े की कटिंग करेंगे। स्लीव्स काटने का वीडियो मैं पहले अपने वीडियो मतलब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पूरी डिटेलिंग के साथ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ बनाई हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारा स्लीव्स कट चुका है। स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग।